टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन दिखाया। उसी के चलते आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के AGSU ग्रुप की ओर से भारत की इस जीत को मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल हासिल किए। इसी बात को मनाने के लिए आज गुजरात स्टूडेंट यूनियन यानी कि AGSU की ओर से यूनिवर्सिटी पवेलियन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी छात्रों ने पटाखे जलाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यूनिवर्सिटी कैंपस में टोक्यो ओलंपिक में भारत की जीत को मनाया। आज रोज ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन AGSU ना कार्यकर्ता द्वारा यूनिवर्सिटी पेविलियन ग्राउंड खाते जे भारत देश ना जे खिलाड़ी होता जे पण खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग लीधो हतो अने लगभग 7 जेटला मेडल जीती ने ए लोको भारत परत आव्या छे, जेमा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल तथा ब्रॉन्ज मेडल भी छे। अने सर्वप्रथम बात एक करीए तो आपणे जे नीरज चोपड़ा छे आपणा जेवलिन ना जे खिलाड़ी छे एमना द्वारा एथलेटिक में प्रथम वार भारत देश ने गोल्ड मेडल अपायुं छे, जे 125 करोड़ देशवासियों माटे गर्वनी વાત છે, જેની ઉજવણી અને એ લોકોને અભિનંદન આપવા માટે આજ રોજ ઓલ ગુજરાત સ્ટુડન્ટ યુનિયન AGSU કાર્યકર્તા દ્વારા યુનિવર્સિટીનો જે પેવેલિયન ગ્રાઉન્ડ છે ત્યાં બાજુ ફટાકડા ફોડી તથા એકબીજા વિદ્યાર્થીઓનું મોં મીઠું કરાવીને અને ભારતના જે તિરંગા હતા એ લહેરાવીને પ્રદર્શન કર્યું છે અને બધા જ ખેલાડીઓને અભિનંદન આપ્યું છે। સાથે સાથે તે બધા જ ખેલાડીઓ આવનારા સમયમાં ખૂબ જ આગળ વધે તેવી પ્રાર્થના કરી છે। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન BRG ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર। आज ही BRG न्यूज़ की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।